हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जो कंप्यूटर है वो हमें ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन खरीदना चाहिए। ऑनलाइन में स्पेशली ये है कि जो पार्ट्स है कंप्यूटर के, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, वो हम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं और घर पर बिल्ड करते हैं। और ऑफलाइन में ऐसा है कि हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर कंप्यूटर असेंबल कराते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन खरीदने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और ऑफलाइन खरीदने के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। तो हम पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन कंप्यूटर खरीदने के फायदे। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा है कि कंप्यूटर एक ही दिन में बिल्ड हो जाता है। यानी आपको ऐसे नहीं कि आज आपका मदरबोर्ड आ रहा है, प्रोसेसर, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही दिन में आप दुकान में जाओगे और वहाँ पर कंप्यूटर बिल्ड करा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप दुकानदार को बोल सकते हैं कि मुझे 20,000 के अंदर कंप्यूटर चाहिए, तो आपको बता देगा 20,000 के अंदर हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको देंगे। तो आपको ये नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है कि इस प्रोसेसर साथ कौन सा मदरबोर्ड लगेगा, रैम कौन सी लगेगी, सॉकेट कौन सा है, चिपसेट कौन सी है। ठीक है, इस प्रकार नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटा बता दो मुझे 1 GB हार्ड ड्राइव चाहिए, रैम इतनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अगर आप बड़ी सिटी में रहते जैसे दिल्ली, मुंबई, तो आपको जो पार्ट्स है वो सस्ते मिल सकते हैं दुकान पर। लेकिन छोटी सिटी में ऐसा नहीं है, बड़ी सिटी में आपको प्राइस कम मिलेगी पार्ट्स की। और चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि दोस्तों, सब जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। वही कंप्यूटर बिल्ड करेगा, कंप्यूटर चलाना उसी की जिम्मेदारी है, मतलब वो आपको चला के देगा, ठीक है। और उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वही आपको डाल के देगा, सॉफ्टवेयर भी वो डाल के देगा, उनको चला के भी बता देगा। और उसका सपोर्ट मिलता है दोस्तों दुकानदार का, 6 महीना साल भर उसका सपोर्ट रहता है। अगर जैसे बाई चांस आप कंप्यूटर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो आपको ठीक करके देगा वापस। अगर जैसे आपके घर गए और कंप्यूटर नहीं चला, तो वापस ला के उसको सही करा सकते हैं। और जो आपके हार्डवेयर होते हैं तो जिस पर वो वारंटी रहती है, तो वो दुकानदार के थ्रू रहती है। अगर आप कुछ ही प्रॉब्लम होती है तो आप दुकानदार को दे दीजिए, वो रिपेयर कर देगा। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने कंप्यूटर खरीदा था ऑफलाइन 2012 में, तो जो मेरी पावर सप्लाई थी वो जल गई थी, तो मैंने दुकानदार को दी और उसने उसको रिपेयर कर दी थी। तो इस प्रकार ये फायदे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन कंप्यूटर खरीदने के नुकसान। यानी अगर आप दुकान पर कंप्यूटर खरीदते हैं, आपको कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो दुकानदार आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीट करेगा या आपसे ज़्यादा पैसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात करूँ तो 2012 मैंने जब कंप्यूटर खरीदा था, तो जब बाद में जब मैंने कंप्यूटर वन जाना तो मुझे पता चला कि उस कंप्यूटर प्राइस 14,000 ही थी, 14-15 हज़ार, और उसने मुझे लगभग 20-21 हज़ार रुपये लिए थे। यानी 5,000 ज़्यादा ले लिए थे, क्योंकि हमको कुछ नॉलेज नहीं रहता है। अब वो प्रोसेसर पुराना डाल देता है, मदरबोर्ड कौन सी ब्रांड डालते हैं आप देखना ऑफलाइन की, ब्रांडेड कौन सी डालते हैं, तो मतलब वो सस्ते सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट लगा देते हैं और हमसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो आप कभी भी कंप्यूटर खरीदने जाए दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एक ऐसे बंदे को साथ में लेके जाए जो होशियार हो, ठीक है। और कभी प्रोडक्ट ले तो उन सील पैक ले एकदम, ठीक है। दुकानदार क्या कहते हैं, आप दुकान में जाते हैं तो कहते हैं हाँ, आप 1-2 घंटे बाद आए, हम बिल्ड कर देते हैं। तो अब पता नहीं वो पीछे क्या लगा रहा है, डिब्बे सील पैक है या नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हो सके तो वहीं रहिए आप जब वो कंप्यूटर बिल्ड कर रहा है, ठीक है। और दूसरे सबसे बड़ा दोस्तों, प्राइस ज़्यादा ले लेते हैं। और देखिए, ऑफलाइन में क्या, छोटी सिटीज होती है तो वहाँ प्राइस वो ज़्यादा ही लगाते हैं, तो प्राइस ज़्यादा ले सकते हैं आपको सस्ती प्रोडक्ट की, और ज़्यादा ले लेंगे। और दुकानदार की बातों में ज़्यादा आना नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है दोस्तों, वहाँ हमको मनचाही चीज़ मिल नहीं पाती एक दुकान पे। अगर आपको एक अच्छी कैबिनेट चाहिए तो वहाँ नहीं मिलती है कैबिनेट, तो आप दूसरी जगह से लेंगे। पावर सप्लाई वो आपको चीप डाल रहा है, आपको ब्रांड वाली नहीं मिल रही, तो आपको मनपसंद प्रोडक्ट नहीं मिल पाते, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन जो कंप्यूटर खरीदते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको जो चीज़ मिलती है सब ब्रांडेड मिलती है और सील पैक मिलती है। क्योंकि हमने अभी हाल ही में कंप्यूटर बिल्ड किया था, उसमें सभी सभी जो चीज़ ली थी वो ब्रांडेड आई थी और सील पैक आई थी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नकली थी, वो सब ओरिजिनल थी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर ऑफर में ले तो, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा बात है, जो पार्ट्स हम लेते हैं वो रेटिंग के आधार पे लेते हैं। आप देखते हैं कि जो अमेजोन से खरीदते हैं उसमें रेटिंग दे रखी है, यूज़र का एक्सपीरियंस रहता है कि इतना ख़राब है, इतना अच्छा है, तो आप रेटिंग पढ़ के मंगा सकते हैं। तो इसमें दो राय नहीं कि आप नया ले रहे, आप वहाँ से रेटिंग आधार पर ले सकते हैं। और चौथा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पार्ट्स हम बाज़ार में नहीं मिलते वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। यानी अच्छी अच्छी कैबिनेट्स मिल जाती है,
हमारे मंच है, रैम ले सकते हैं, हम कहीं से मंगा सकते हैं उनको। अगर आप एक दुकान पे जाकर लेते हैं तो ये सब पार्ट्स एक साथ नहीं मिल सकते, मनचाही चीज़ें। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन जो प्रोडक्ट जो हम ऑनलाइन खरीदे दोस्तों, उसका नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देखिए दोस्तों, ऑनलाइन खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इस मदरबोर्ड के साथ कौन सा प्रोसेसर लगेगा, रैम कौन सी लगेगी, सब की सब डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, सॉकेट कौन सा है, चिपसेट कौन सी है, बायोस अपडेट है या नहीं, ये आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं, आपने चीज़ मंगा देते हो और फिर बिल्ड करते हो, तो अगर वो मैचिंग नहीं हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिना नॉलेज के आप कोई भी कंप्यूटर घर बिल्ड करते हो और ऑनलाइन मंगा के, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ा नुकसान ये कि दोस्तों, सब जिम्मेदारी आपकी है। अगर कंप्यूटर नहीं चला तो उनको रिटर्न करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन सा पार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब आपकी जिम्मेदारी ऊपर है। अगर आप दुकान पर लेके जाते हैं तो दुकानदार और पूछता कहाँ से मंगाया, हमारे यहाँ से ले लेना, फालतू में लफड़े करते हैं वो लोग। ठीक है, और तीसरा बड़ा नुकसान ये दोस्तों, जब हम ऑनलाइन खरीदते हैं वो सभी पार्ट्स ऑनलाइन आते हैं और अलग अलग आते हैं, कोई पार्ट डैमेज भी हो जाता है तो फिर उसको रिटर्न करने की दिक्कत आती है। ठीक है, और चौथा है दोस्तों प्राइस के मामले में। ऑनलाइन देखिए दोस्तों, अमेजोन में ज़्यादा प्राइस देते हैं, अगर आप दुकान की बात करें तो वो आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको ज़्यादा ही मिलता है। उसमें शॉपिंग चार्ज, डिलीवरी चार्ज, कौन कौन से चार्ज जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के नुकसान और फायदे बताए हैं, क्योंकि हमने दोनों तरीके से कंप्यूटर खरीदा है, ऑनलाइन भी खरीदा है, ऑफलाइन भी खरीदा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदने बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।